आप लोग इसको देख लो, तारक मेहता देखते देखते खाना खा रही है और देखो तीन मंजिलों पर बैठी हुई है ये बंदी। इसको ना टेबल नहीं देखी, यहाँ पे बैठ के खा ले। अलग बंदी है भाई, है अलग, खाने में मगन हो रखी है। सो आज है इडली सांभर नारियल और नारियल की चटनी मेरे ब्रंच में। कल मैंने नारियल जो छीला था ना, देखो उसी की मम्मी ने इतनी अच्छी बना दी। तो हे पीपल, आज है दिन सैटरडे और सैटरडे का ब्लॉग शुरू हुई साफ हो रहा है। हमने सांभर चावल के लिए सांभर इडली तो खा ली, अभी मैंने जैसे नाखों में आई ड्रॉप डाली हुई है और मैं जा रही हूँ बैंगन का भरता बनाने के लिए मम्मी के लिए, दादा के लिए और पापा के लिए रात को। और फिर मेरे को 5:30 दादा को शरबत देना है, फिर वो कर जाए उनकी चाय बनानी है। तो आज सैटरडे है तो आज मैं मम्मी की हेल्प करा रही हूँ। सो पीपल, आई एम मेकिंग बैंगन का भरता टुडे। सो मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा नमक, हम डालेंगे हल्का सा नमक दादा के हिसाब का, थोड़ी सी देगी मिर्च हमारी बिल्कुल यहाँ पड़ी होती है, हल्की से डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, तो वैसे भी कलर के लिए होती है। फिर गर्म मसाला और हम डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना, जो भी मम्मी कहती हैं वो एक्स्ट्रा रखे। वो मेरे दादा को ना मटर वाला बैंगन का भरता बहुत पसंद है, जिसे कहते हैं। अभी मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया था, मेरे मटर मैं इसको छील इसको फिल्टर आउट करके फिर डालूँगी। अभी सब सब कुछ रेडी है, मैं इसमें डालने जा रही हूँ बैंगन का भरता डाला और नाउ रेडी। दादा के लिए मैं बनाऊंगी मैं कोल्ड कॉफ़ी, मेरे दादा को स्पेशली पसंद है मटर वाला बैंगन का भरता, तो मैंने दादा के लिए बनाया। अब हम इसको पकने देंगे, एंड ये रेडी हो गया। तो पीपल, मैं बना रही हूँ अपने दादा के लिए कोल्ड कॉफ़ी और एक सैंडविच। बेसिकली देखो अभी ना इतने टाइम से ज़्यादा बादाम शरबत पिए जा रहे हैं, और ऊपर से फिर सैटरडे संडे जब मेरा होता है ना, तो फिर मेरे मेक श्योर मैं करती हूँ कि तब मैं कुछ अच्छा बनाऊँ अगर मेरे पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। तो आज मेरे पास वर्कलोड कम है, मतलब मैं सुबह से काम तो कर रही थी लेकिन आज सोचा कि बना देना चाहिए, चाहे घर में जितना गंद हो। बट पहले दादा ऑर्डर लेने के चक्कर में ना मेरा फ़ोन गिरते गिरते बचा, तो चलो जी दादा के लिए फटाफट इवनिंग स्नैक्स बनाते हैं। रेड आ गई है, ब्लिंकिट किया है, चॉकलेट सिरप चाहिए और थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए थी, वो यहाँ से लेने के लिए मुझे स्कूटी निकालनी पड़ती, तो मैंने चलो एयरप्लेन पे आ गया। सो गाइस, मेरा बैंगन का भरता भी रेडी हो गया, कुछ नहीं करूँगी, आई जस्ट गार्निश इट विद धनिया की पत्तियाँ, ये हम काट के रखते हैं ताकि ख़राब ना हो, एंड डन। सो पीपल, अब जा रहा है दादा के लिए कोल्ड कॉफ़ी एंड वन सैंडविच, सैंडविच ज़्यादा नहीं ताकि रात को रोटी भी खाएं। बाहर वाला उन्हें मिर्च लगती है तो हमने घर पे ही अब सब करने लग गए हैं। चलो चलो चलो, लो दादा डिफरेंट वैरायटी शरबत के अलावा कोल्ड कॉफ़ी और एक सैंडविच। दादा सही है सैंडविच? सैंडविच सही है दादा? आज का डिनर में मैंने आपके लिए मटर वाला बैंगन बनाया, आपको मटर पसंद है ना बैंगन के भरते में, पूरा बन गया। चलो जी दादा सैटिस्फाइड, अब हम जाते हैं, अब हम ऊपर वालों का टिड भरते हैं। मम्मा और आरती के लिए कॉफ़ी भी है और सैंडविच आरती के लिए, मम्मी के लिए। हमारे सैंडविच में ऑफकोर्स बैटर डलेगा, उसमें काली मिर्च डलेगी और ओरिगानो डलेगा, क्योंकि दादा को सब कुछ तो दे नहीं सकते तभी। मेरे से ही साइड्स कटवाई हैं इसने और उसके बाद अब लगी हुई है ये। इसी टाइम जाती हूँ, 5:30। सो 10:30 हो रहे हैं और आज भरता तो बनाया था मैंने, बाकी यार मेरा मन इस टाइम पे कर रहा था कि मैं एक सैंडविच खाऊं पनीर वाला, और मैं उसी के लिए जस्ट अभी अपना बैटर रेडी कर रहा था। देखने आई थी चीज़ स्लाइस पड़ी हो बस हमारे पास फ्रिज में, सारे अंदर सो रहे हैं और मैं ही यहाँ पर लगी हुई हूँ। सो तो जा रहे हैं, तो पापा तो ऑलरेडी सो गए हैं। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना पनीर वाला सैंडविच, और पनीर पड़ा था तभी, देखो एक साइड से तो हो गया। मेरे को ज़्यादा ग्रिल करना पसंद नहीं है कि पूरा ही काला हो जाए, हल्का हल्का ग्रिल करती हूँ। और मैंने इसमें कोई बटर नहीं लगाया, कोई घी नहीं लगाया, एज इट इज ही मिडनाइट क्रेविंग थी मेरी। तो इसको पीपल देखो कितना चीज़ वाला सैंडविच बनाए हैं घर पर इंस्टेंट,
गाइस मैं अब खाना शुरू कर रही हूँ, थोड़ा सा आरती ने लिया, उसको अच्छा लगा, सो मिलते हैं। सो पीपल आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे अगले दिन के ब्रेकफास्ट के साथ। अगेन हम एक रूम में हैं तो व्लॉग ज़्यादा बन नहीं पा रहा, लेकिन देखो अभी है आलू और पूड़ी। मम्मी ने पूड़ी की अलग ही इस बार वो बनाई है, पिछली बार भी मम्मी ने ऐसी बनाई थी। मम्मी कह रही थी ना इसमें दाल वाल सब डाली हुई है, कचौड़ी टाइप। ये लो मम्मी प्लेट ले लो, मत जलाओ यार, जला देते हो, ये खाने बैठ गई। तो पीपल अब मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। जस्ट अभी मैंने आज अपने बालों को वॉश किया था ओला ब्लैक शैम्पू से जो मैंने ऑर्डर किया था, और अभी वंचू है यहाँ पे। मेरा ना हाथ पे ना कट लगा हुआ है, तो मैं वंचू से बैंडेज लगवा रही हूँ, और पता नहीं इस पर दर्द भी हो रहा था। नीचे चाची ब्रेड पकौड़े और चाय बना रही है, तो वही खाएंगे, चाय ज़रूर पी लेंगे। सिर बहुत दर्द हो रहा है, आज संडे और कल चाहे नया बात शुरू, तो देखते हैं ठीक आ जाता है। आरती भी बार आ रही है ऊपर से। गाइस मैं तो बाहर वीडियो बनाने आई थी, इतने में देखा मेरी बुआ आ रही है। और जी हाउ आर यू? बढ़िया। मैं वीडियो बनाने आई थी, मैं देखा कि एकदम आप आ रहे हो साइट से। अरे कल नया बैच शुरू ना, दिखा रही थी बच्चों को कैसे एंट्री होना है। चलो गाइस मिलते हैं। और हुआ कहाँ से आ रहे थे आप? ये रुके थे अभी रस्ते में, अच्छा पैदल चलते हुए आ रहे थे। ने बड़ा फॉर्म मंगवाया बाहर से, मैं तो नहीं खा रही बाहर का, नहीं खा रहे। कैसे लगवाए थे? ये कहता है आरती क्या कह रहा था, बेस भी खुद बनाता है ना। बस बस नहीं बोला जा रहा, छोड़ दे। मम्मी वाला पाव कैसा लगा? आजो लगा दो। पापा कैसा लगा? नंबर वन। नंबर वन पीनट पैटी फ्रोजन नहीं है, टेस्टी। और ये पनीर भी बताता था वहां से लेता ना वीक से। ये पूरी प्रमोशन करेगी अभी। मम्मी कह रही है काटी होने दी, आलू डाले थे। आलू खाना तो बहुत जल्दी बन जाता है, सब कुछ कहता वो मिला, बस सब्जी करानी थी। बनाया तो है ना, वो मैटर करता है बनाना। उस दिन मैंने कल रात को वो भी करा, नारियल भी छीला, और मेरे को एक नया हैक पता चल गया पूरा नारियल निकालने का। आज का आरती का प्लान था भजिया पाव बनाने का, वो प्याज के पकौड़े डाल के पाव मंगवा के, फिर वो थक गई, कहती नहीं मैं नहीं बनाऊंगी आज। बरसात आएगी तब बारिश में बना लेना। गाइस अभी हम बैठे हुए हैं, देखो हम तीनों क्या मस्त डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के। मैं अपने आप चुपचाप बैठे हुए हैं, उधर सारे उधर अपनी बातें कर रहे हैं, हम इधर बैठे हुए हैं। ईशान और मेरे को टेंशन हो रही है कि हम दोनों बहुत बड़े हो गए हैं, ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं हम दोनों, घर के बहुत रिस्पॉन्सिबल किड्स। और ये और मैं आरती देख लो सेम लग रहे हैं। नहीं सच्ची सच्ची बताना, ईशान और मैंने कभी तंग किया फालतू का? ये तो अभी जान के मना कर रहे हैं, नहीं किया। तंग कैसे? जैसे बाकी बच्चे करते हैं ऐसे हम निकले, ये कितने सीधे बच्चे निकले हम, सारे ही सीधे हैं हमारे बच्चे, कौन टेढ़ा है? ये देख जान बुझ के दो बंदों की तारीफ हो रही, हजम नहीं हो रही, अपने छोटों को घुसाना है भी जान बुझ के। ना तुमने आके बोलना है कि नहीं तुम ज्यादा अच्छे हो, ज्यादा छाने हो तो सारे अच्छे हैं हमारे। गाइस ये वही माँ है जो अपने बच्चे को गिफ्ट दे रही है, जो परसों आई थी सेम कपड़ों में, गरिमा को वो नहीं दिया था चॉकलेट। मैं उन्होंने बोला था कि ब्लिंकर जाता है वहाँ पे, तो उनको बिचारी को करना नहीं आया। अरे मेरे को इसका एड्रेस नहीं पता था, मैंने इसको बोला था, मैंने कहा मेरे को इसका एड्रेस नहीं पता, एड्रेस तो बता दे कल। अब वो डायरेक्टली ये मेरे को उसके घर ले जाते हैं, तो उसका घर तो गाइस पूरा खानदान यहाँ उठ के आ गया, मेन बंदे यहाँ थे ना, बड्डे बॉय बड्डे बॉय। गाइस मम्मी ने आरती को बाहर बंद कर दिया था, तुम लोगों को मैं दिख नहीं दूंगी क्योंकि मैंने बैक कैमरा कर रखा है। 10 लोगों के बीच है तू यहाँ पर गद्दों में। अभी टाइम है 2 बज गए, आरती पापा कराटे मार रहे हैं,
पर फोन थे ना तो मेरे को टाइम दिखाएगा बाहर दे, ये कहती है कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी। मैंने कहा अलार्म लगा दिया तो उन्हें, कहती कि उठ जाऊँगी मैं। तो गाइस अब देखते हैं कल 5 बजे उठती है नहीं उठती, यही मैं आपको दिखा रही हूँ लोगों का दुबलापन।